आज फतेहपुर जिले से लगभग 300 कांवड़ियों का जत्था बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। आप लोगों को बताते चले कि भोले बाबा के पुजारियों को सावन माह का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। दो साल बाद कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से श्रद्धालुओं के अंदर उमंग उत्साह देखने को मिला, जो डीजे बाजा के साथ रेलवे स्टेशन खागा पहुंचकर ट्रेन से फतेहपुर फिरदाना होते हुए सुल्तानपुर से गंगा जल भरकर कांवड़ लेकर झारखंड बैजनाथ धाम पहुंचकर भोले बाबा को जलाभिषेक कर अपनी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं सभी श्रद्धालु। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा विशेष योगदान रहता है और कांवड़ लेकर जाने वाले भक्तों के लिए भारी पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस और भोजन के भंडारे की उचित व्यवस्था पूरी यात्रा में रहती है। आए सुने क्या कहा भोले बाबा के पुजारियों ने। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। सुल्तानगंज से उड़कर बाबा की यात्रा जो है देवघर के लिए जाएगी 105 किलोमीटर की पद यात्रा। बीच में जो है जैसे पैदल जाते हैं 105 किलोमीटर बहुत होता है। बीच में हम लोग स्टॉप करते हुए 3 दिन में बाबा की यात्रा पूर्ण करते हैं। जी, बीच में पुलिस प्रशासन का कैसे क्या रवैया? पुलिस प्रशासन का वहाँ बिहार की पुलिस और झारखंड की पुलिस की पूरी जो है सहयोग रहता है वहाँ। जी, और रास्ते में जलपान की क्या व्यवस्था? जलपान की व्यवस्थाएं कुछ अपने लोगों के पास से होती है, कुछ भंडारा वहाँ चलता ही रहता है। जैसा कि मौसम बारिश का है, जैसे कि बारिश होने लगे, कोई दिक्कत नहीं होती। बड़े बड़े टेंट और पंडाल लगे हुए होते हैं, वहीं पर सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। यहाँ कितने लोगों का आपके साथ? यहाँ हमारे कम से कम 150 जत्था होगा इसमें। आपका सुपरिचय? हाँ, 150 जत्था। आपका परिचय? गणेश केसरवानी। जी भाई साहब, ये कौन सी जगह है? खागा। खागा कहाँ के लिए आप लोग जा रहे हैं? हम यहाँ से फतेहपुर जाएंगे, फतेहपुर से दानापुर, दानापुर से जाएंगे सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से जल भरेंगे, वहाँ से 105 किलोमीटर पग यात्रा है। ये 22वीं पग यात्रा हम लोगों की। जी, ये जो परिक्रमा होता है उसको लेके है पूरी यात्रा बता रहे हैं, कैसे क्या है? नहीं, वहाँ से 105 किलोमीटर मंदिर के पाग यात्रा के बाद लाइन उनकी 35 किलोमीटर की है। जी, ये बताइए, जैसे जा रहे हैं तो आप लोगों को रास्ते के लिए कैसे क्या व्यवस्था होती है? रास्ते के लिए बहुत बढ़िया गवर्नमेंट सुविधा देती है, फ्री लंच, फ्री भी व्यवस्था है, भंडारा वगैरह भी है, सेकाई मिंजाई सब सुविधा मिली है। ये बताइए कि इस दौरान अगर मान लीजिए बारिश होती है या किसी तरह के किसी की तबीयत खराब होती है, उसके लिए तो रुकने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? वहाँ पे मेडिकल की भी व्यवस्था है। जी जी, हर 4-3 किलोमीटर में सरकारी है, बाकी पूरे रास्ते में प्राइवेट भी है। ये आपके साथ कितने लोगों का जत्था जा रहा है? हमारा आपकी जो जा रहा है 300 लोगों का। 300? ये खागा से केवल है कि खागा, हल्लीपुर और प्रेमनगर हदगाम।